नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं दिलालंटो। इसरो का चंद्रयान आंशिक रूप से असफलता हाथ लगी क्योंकि विक्रम लैंडर से आखिरी क्षणों में संपर्क टूट गया और अब भी लैंडर से संपर्क नहीं साधा जा सका है। नासा और इसरो दोनों लगे हुए हैं खोजने में। प्रधानमंत्री मोदी इसरो पहुंचे थे, वीडियो बड़ा वायरल हुआ, के सिवन को गले लगाया था, वैज्ञानिकों से मिले थे, लेकिन कई सारी बातें हम लोगों को नहीं पता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, जिसके हवाले से हम ये चीज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि प्रधानमंत्री इसरो कमांड सेंटर में मौजूद थे और उनके वादे और उनके साथ का इसरो को बहुत लाभ मिलेगा अपना भविष्य संवारने में। इस बारे में सूत्रों ने अखबार को वो बातें बताई हैं जो हम सभी को अभी तक नहीं पता थी। कहा है कि 6 सितंबर की रात इसरो के भेजे चंद्रयान की लैंडिंग चांद पर होनी थी। उसी सुबह नरेंद्र मोदी का हवाई जहाज दिल्ली उतरा, वे रूस से भारत आ रहे थे। अगले ही दिन यानी 7 सितंबर को महाराष्ट्र में उनके कार्यक्रम थे और उसके अगले दिन यानी 8 सितंबर को हरियाणा में। समय कम था। रूस से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पास बहुत सारा कागजी कामधाम पड़ा हुआ था, लेकिन विक्रम लैंडर की लैंडिंग के समय वे इसरो के बंगलुरु में कमांड सेंटर में भी होना चाह रहे थे। नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु की फ्लाइट पकड़ी और हवाई जहाज में काम करते रहे। सूत्रों ने बताया है कि रात 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन लैंड हुआ और तब से ही वे बहुत पॉजिटिव फील कर रहे थे। इसके बाद मोदी इसरो के कमांड सेंटर के पास मौजूद एक होटल में चले गए, वहाँ कुछ बच्चों से मिले और रात 1 बजे निकल गए कमांड सेंटर जाने के लिए। समय होता है रात के 1:50। ये लगभग तय हो चुका था कि विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क टूट चुका है। नरेंद्र मोदी इसरो के कमांड सेंटर की विजिटर गैलरी में बैठे हुए थे। इसरो चेयरमैन के सिवन तेजी से नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे, बताया कि संपर्क टूट गया है, हम कोशिश में लगे हुए हैं। पास में ही एक लाउंज था, नरेंद्र मोदी तुरंत उस लाउंज में चले गए। वहां उन्होंने के सिवन से कहा कि वे शांत रहें और आशा न छोड़ें। मोदी ने यह भी कहा कि सारा देश वैज्ञानिकों के साथ खड़ा है। इसके बाद मोदी उस कमरे में चले गए जहां सभी वैज्ञानिक बैठे हुए थे। मोदी ने कहा कि हिम्मत बनाए रखिए आप सब लोग। इसके बाद मोदी होटल आ गए, लेकिन वहां अपने सहयोगियों से मोदी ने कहा कि मैं कल सुबह वैज्ञानिकों से फिर से मिलने जाऊंगा, इसरो चीफ को फोन करो और मिलने का समय फिक्स करो। इससे प्लान में अचानक परिवर्तन हो गया। नरेंद्र मोदी की टीम ने इस बारे में तुरंत महाराष्ट्र और हरियाणा की सरकारों को सूचित कर दिया कि प्लान में हेरफेर हो रहा है थोड़ा बहुत इधर उधर। मोदी रात भर सो नहीं सके थे, अपने सहयोगियों को फ़ोन करते रहे, जो ख्याल आ रहे थे उन्होंने लिखते रहे कागज़ पर, और इसरो में मौजूद वैज्ञानिकों के लिए उन्होंने अपने विचार हिंदी और गुजराती में लिखे। इसरो में वैज्ञानिकों से मिलने के बाद और के सिवन को शांत कराने के बाद जब मोदी मुंबई के लिए हवाई जहाज में बैठे थे तो उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि मैंने इसरो के कमांड सेंटर में बैठकर भारत की मजबूती देखी है और उन लोगों को देखा है जो देश को इतना मजबूत बनाते हैं। फिलहाल चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से संपर्क की कोशिशें जारी हैं। चांद की सतह पर मिल तो गया है, लेकिन फिर भी सिग्नलों का जवाब अब तक नहीं मिल सका है। ये बातचीत आपको कैसी लगी, वीडियो कमेंट सेक्शन में आइए और हमें ज़रूर बताइए। वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए। हमारा ऐप है Google के प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कीजिए। सारे वीडियो, किस्से, कहानियाँ, खबरें, सब कुछ सबसे पहले ऐप पर आएगा तो आपको मिलेगा। कैमरे के पीछे है राशिद, देखते रहिए dilalantop.com। शुक्रिया।